टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में हाड़ी गांव के पास बुलेरो गाड़ी के संदिग्ध रूप से जलने से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने युवक की हत्या का अंदेशा जताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रास्ता रोकने का प्रयास किया। इससे पहले घटनाक्रम से गुस्साए परिजनों ने टोंक जिला अस्पताल में भी हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी के जलने की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। इसमें से हेमराज बैरवा नामक युवक ने के शव को निकालकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा भाई का कॉल आया मेरे पास, बस इतनी सा बोल रहा है जतरा में गिर भाग रही भागता भागता जतरा में पूछ रही भाई खड़ा तू कमें नातली बस से फोन कर काट दियो। व्हाट्सअप कॉल आई जी मार पहली बार व्हाट्सअप कॉल आई आई जी मारा भाई पे जतरा में थोड़ी देर गिर गई मैं तुम्हारी भाभी दूसरा नंबर आज बात कर रही हूँ मारो हेमराज भाई। मेरे भाई को यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में लाने के बाद 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई हमें सोहेला में मिली थी और उसके बाद में हमें फोन किया था 86 नंबर वाले से फोन से कि मेरे भाभी को फोन किया था कि हमें हमारी गाड़ी यहाँ पे जल रही है हमें कोई नहीं आ रहा बचाने और गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई क्या पता क्या हुआ। ये कोई जानकारी में आया था कि एक व्यक्ति है जिसकी गाड़ी में जो है संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई है, गाड़ी के अंदर जला दिया या जल गया इस तरह की स्थिति के कारण से यहाँ भर्ती होने की सूचना आई थी। यहाँ से कोतवाली का जाप्ता और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ इनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने से ज्ञात आया कोई हेमराज नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई जलने से और इनसे ये कहा गया कि आप पूरी जानकारी करके अपना एक जो भी लिखित में जो रिपोर्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, जिस भी तरह की कोई शंका है उस तरह से हम कार्रवाई करते हुए इसकी समाधान करेंगे।